में आप लड़खड़ा जाएं और फिसल जाएं। अब बेचारी लड़खड़ा तो गई ना, हमारी नायरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं नहीं नहीं होली नहीं खेल रही थी, लेकिन वो जो वकील है ना, उसने ऐसी चीप चाल चली कि बेचारी नायरा खड में जाकर गिरी। होली पर देखिए टीवी की बहू पर एक कितना बड़ा संकट आ गया। जहां होली पर लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली के त्योहार की खुशी बढ़ाते हैं, तो वहीं वकील जवेरी ने नायरा के साथ इतना बुरा किया कि कोई सोच भी नहीं सकता है उसकी हरकत क्या होगी। तू जिंदा रहेगी ना, तो मेरे पति के लिए खतरा बन गया। न जाने कहां कहां से गड़े मुर्दे उखाड़ के लाएगी, इसीलिए तुझे गाड़ दिया है, समझे। हर साजिश बहुत तगड़ी है, बहुत ज़बरदस्त प्लान है। अब देखते हैं वो प्लान कितना यशस्वी होता है। बहुत गड़बड़ लग रही है इस बार है कि इस बार रेसिप्रोकेट हुआ है, जावेरी का उनके पास हो गया और उनका जावेरी। इस बार एक्चुअली खुद जावेरी भी टेंशन में कि क्या हो गया, ये लोग इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे, इतना खुश कैसे हैं ये लोग, केस हारने के बाद भी बहुत खुश है। तो हम लोग को भी बहुत टेंशन है, उनको भी बहुत टेंशन है, और यहाँ पर तो खैर टेंशन इज एवरीथिंग। नायरा को वो चिप मिल गई है। इस चिप में ये फुटेज है, लव कुश और अभिषेक ने जो कांड किया है उसकी सारी फुटेज इसके अंदर है। इस बात का पता जवेरी को चल गया है। फिर क्या, इस चिप को पाने के लिए उसने एकदम चीप हरकत कर दी। सब होली खेलने में मशगूल थे, तो वहीं जवेरी ने मौके का फायदा उठाया और नायरा को बड़े से गड्ढे में ढकेल दिया। आपको पता चल गया चीप हाथ लगी है? हाँ, चीप तो नायरा के हाथ लगी है। हाँ, नायरा के हाथ चिप लगी है। उस चीप को अब उस चीप का क्या होता है वो अभी बस अभी शूट होने वाला है। ये उस चीप का क्या होता है, मैं उसका क्या करता हूँ, उस चीप को, उस चीप की कितनी चीप करता हूँ। नायरा चिल्लाती रही कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। वो एकदम बेबस और लाचार हो गई थी। उसकी सांसें रुकने ही वाली थी कि कार्तिक को अंदेशा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और देखिए गड़बड़ के चक्कर में उसने नायरा को खोज लिया। अब आपको बता दे, इस होली के साथ ही शक्तिमान जवेरी का सारा चिट्ठा पिट्ठा खुल जाएगा और गोयनका हाउस से उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि होली आई और अपने साथ सारे बुरे रंगों को ले गई और साथ छोड़ जाएगी खुशियों वाले रंगों को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।